हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे और अभी ये सारे मुझे ग्रीन नेट के लिए पाइप्स लगाने हैं, उसके लिए मैंने कुछ पौधे यहाँ से हटा दिए हैं। यहाँ पे मैंने सब गुलाब के पौधे रखे थे फ्रेंड्स, वो सारे पौधे मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। और ये जो बोगनवेली था वो भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो जो जो एरिया में पाइप लगेंगे तो वहाँ पे मैंने सारे, तो आज की वीडियो ये टॉपिक पे है फ्रेंड्स के विंटर प्लांट, यानी कि विंटर सीजन आने वाली है तो उसका इंडिकेशंस क्या क्या है, तो वो भी एक जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको भी पता चल सके कि हमें विंटर सीड्स कब लगाने हैं और इसका टाइम कब आ गया है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं फ्रेंड्स जो इंडिकेट करते हैं कि विंटर सीजन आने वाली है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे घर के पीछे पीपल का पेड़ है, देखिए जैसे कि ये जो पीपल का पेड़ है फ्रेंड्स, उसके ऊपर से सारे लीव्स गिर चुके हैं, पेड़ एकदम खाली खाली सा हो गया है। तो मतलब सबसे पहले इंडिकेशन ये ट्रीज़ दे देते हैं कि विंटर सीजन आने वाली है, क्योंकि विंटर सीजन आने से पहले इसके सारे लीव्स गिर जाते हैं, पेड़ पूरा खाली हो जाता है। और जैसे बाहर की सीज़न आती है, जैसे कि बाहर की सीज़न मतलब स्प्रिंग सीज़न आती है, जनवरी का महीना स्टार्ट होता है, तब ये जो पेड़ के ऊपर सारे नए लीव्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर से वो ये पेड़ हरा भरा दिखने लगेगा। विंटर सीजन्स में इसके सारे लीव्स गिर जाते हैं, तो ये एक पहला इंडिकेशन होता है फ्रेंड्स। दूसरा इंडिकेशन, हमारे घर पे ही अगर आपने गार्डन में ये अलमंडा का प्लांट ग्रो किया हो तो आपको पता चल जाएगा कि विंटर सीजन्स अब आने वाली है, क्योंकि अलमंडा एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो विंटर सीजन में अपने लीव्स झाड़ देता है और उसके लीव सूख के नीचे गिरने लगते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके गमले के अंदर देखिए सारे इसके लीव्स गिर चुके हैं। यार पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे इसके बहुत सारे लीव्स थे, लेकिन धीरे धीरे करके देखिए नीचे भी बहुत सारे लीव्स गिरे हुए हैं। तो अलमंडा एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स के विंटर सीज़न आते ही इसके लीव्स धीरे धीरे करके येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है फ्रेंड्स। जैसे ही बाहर की सीज़न स्टार्ट होगी, ठंडियाँ कम हो जाएगी, तो बाद में फिर से ये प्लांट ठीक तरीके से ग्रो हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे सिटी में एक ऐसा क्लाइमेट चल रहा है जैसे कि सुबह के टाइम पर थोड़ी धुंध रहती है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अलमंडा एक ऐसा पौधा है जो विंटर सीजन में भी ग्रो हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको मैक्सिमम सनलाइट प्रोवाइड करें, हो सके तो दिन की पूरे दिन की सनलाइट अगर आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की सनलाइट अगर इसको प्रोवाइड होगी तो बाद में ये जो प्लांट है वो विंटर सीजन में भी आपके यहाँ ब्लूम करेगा और इसके लीव्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके लीव्स की साइज़ और इसके लीव्स का कलर आपको जनवरी फरवरी महीने में अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, तब क्योंकि तब स्प्रिंग सीजन होती है और स्प्रिंग सीजन में प्लांट्स मैक्सिमम फ्लावर्स देता है। तो ये कलमंडा का प्लांट हो गया। दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स जो विंटर सीजन को इंडिकेट करता है, वो है हमारे ये एडेनियम। एडेनियम के ऊपर भी विंटर सीजन का इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होती है तो इसके लीव्स कुछ ये हिसाब से येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे ही धुंध पड़ती है तो बाद में इसके लीव्स धीरे धीरे करके येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में ये अपने सारे लीव्स गिरा देता है। जैसे कि ये जो आप मेरे एडेनियम देख रहे हैं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि बारिशों की सीज़न में इसने बहुत सारे लीव्स प्रोड्यूस कर दिए थे। अब धीरे धीरे करके इसके लीव्स सारे झड़ने लगेंगे और ये प्लांट थोड़ा खाली सा लगने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये पौधा फ्लावरिंग तब भी करेगा। एक्चुअली ये फ्लावरिंग वाला पौधा है और विंटर सीजन में अगर इसको अच्छी खासी सनलाइट मिल जाएगी तो बाद में ये पौधा भी मेरा अच्छा खासा फ्लावरिंग करेगा, तो ये फ्लावरिंग करना नहीं स्टॉप करेगा। तो दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो विंटर सीजन को इंडिकेट करता है, और वो है हमारा प्लूमेरिया। प्लूमेरिया एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स जो, ये तो हमारा प्लूमेरिया पुदी का है, दूसरा भी बड़े पत्तों वाला प्लूमेरिया जो मैंने नीचे की साइड पे रखा है, नीचे की टेरेस पे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो ये जो प्लूमेरिया का पौधा है फ्रेंड्स, ये भी विंटर सीजन के दरमियान अगर इसको ठीक तरीके से सनलाइट नहीं मिल पाएगी तो बाद में इसके लीव्स भी येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ये प्लांट के बहुत सारे कुछ लीव्स मेरे येलो होना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ लीव्स देखिए नीचे भी गिरे हुए होंगे, तो ये भी विंटर सीजन में अपने लीव्स थोड़े थोड़े गिराना स्टार्ट कर लेगा और इसके लीव्स भी येलो होंगे। तो अगर आपके यहाँ प्लूमेरिया के लीव्स येलो हो रहे हैं
तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से प्लांट अपने लीव्स गिराता है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगी तो बाद में ये पौधा भी अपने लीव्स ग्रीन निकलना स्टार्ट कर लेगा। मैं अपना दूसरा भी प्लूमेरिया का पौधा दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा प्लूमेरिया का पौधा है। अभी इसकी कंडीशन अच्छी है, लेकिन जैसे ही ठंडियाँ थोड़ी और ज़ोरों पे हो जाएगी तो बाद में ये पौधा भी अपने सारे लीव्स येलो करके गिराना स्टार्ट कर देगा। ये पौधा एकदम ही खाली हो जाएगा। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी ये प्लूमेरिया के पौधे की, जिसके अंदर मैंने इसको रिपोर्ट किया था, ये पौधे को मैंने रिपोर्ट किया था, वो नहीं, ये वाला मेरा प्लूमेरिया का पौधा है उसको मैंने रिपोर्ट किया था ये प्लास्टिक के ड्रम के अंदर। तो तब ये पौधे के ऊपर कोई भी लीव्स नहीं थे, पूरा खाली सा पौधा था। तो वो भी विंटर सीज़न ख़त्म होने के बाद ही मैंने रिपोर्ट किया था उसको, क्योंकि उसके बाद उसकी ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट होने वाली थी और उसके बाद इसने अच्छे खासे ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए और फिर से ये पौधा अपने आप ही हरा भरा होने लगा। तो विंटर सीजन्स में ये पौधा भी आपके लीव्स गिराना स्टार्ट कर देगा, येलो लीव्स हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको भी अच्छी खासी मैक्सिमम 7 आवर्स की सनलाइट मिलेगी तो बाद में इसके लीव्स ग्रीन रहेंगे, लेकिन अगर इसको सनलाइट 3 घंटे या तो 4 घंटे की सनलाइट मिलेगी तो बाद में इसके लीव्स येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक और पौधा है, वो है हमारा रेलवे क्रीपर का प्लांट। ये पौधे को भी अच्छी खासी सनलाइट चाहिए विंटर्स में। जैसे ही ठंड बढ़ती है तो इसके पत्ते भी येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको सनलाइट अच्छी खासी प्रोवाइड करेंगे तो बाद में इसके भी पत्ते अच्छे खासे निकलेंगे और इसके ऊपर फ्लावरिंग्स भी अच्छे खासे होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ऊपर वाली ग्रोथ इसकी बहुत ही बढ़िया हो रही है और अभी शायद इसके ऊपर फ्लावरिंग्स इतने ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन अभी बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। आप जैसे कि जानते हैं ये प्लांट को मैंने नीचे से ऊपर शिफ्ट किया है, तो मैंने प्लांट को पूरा कट कर लिया था, उसके बाद उसने फिर से अपनी पूरी ग्रोथ निकाल दी है। और नीचे वाला जो एरिया देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ से पूरे पत्ते इसके ड्राई होने लग गए हैं, जैसे कि हमें लगेगा कि यह प्लांट मरने लगा है, लेकिन एक्चुअल में यह प्लांट मरने नहीं लगा है। यहाँ पे सनलाइट इसको अच्छी खासी नहीं मिल रही है और जैसे कि सुबह के मॉर्निंग के 4 बजे से लेके 6 बजे के टाइम पे थोड़ी धुंध पड़ती है, जिसकी वजह से इसके जो पत्ते होते हैं जहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी नहीं गिरती है, वो वाले पत्ते उसके येलो होके ड्राई होके कुछ ये हिसाब के मुरझा जाते हैं। तो इसमें प्लांट मरता बिल्कुल भी नहीं है, प्लांट एक डोरमेंट पोजीशन पे चला जाता है। तो विंटर सीजन में जब ऐसे प्लांट्स हमारे डोरमेंट पोजीशन में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स, ये टाइम पीरियड में प्लांट थोड़े रेस्ट में जाते हैं, थोड़ी अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेते हैं और ज़्यादा फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते, नए लीव्स नहीं प्रोड्यूस करते। तो ऐसे टाइम पे हमें प्लांट के अंदर बिल्कुल भी किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ सिंपल पानी देते रहिए। पानी तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई लगे, तभी आप इसके अंदर पानी दे दीजिए, ज़्यादा पानी भी ना दीजिए। अगर ज़्यादा पानी आप देंगे तो बाद में प्लांट के अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम आ सकती है और ख़ास करके विंटर सीजन में प्लांट के सॉइल के अंदर पानी बहुत ही जल्दी सूखता नहीं है। तो वो तो उसके ऊपर मैं पूरी एक अलग वीडियो बना दूंगा कि विंटर सीज़न में हमें किस हिसाब से प्लांट को वाटरिंग करनी है। लेकिन जब भी आपके ये डोरमेंट पोजीशन वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उसको आप मिनिमम पानी दें, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तब वो ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरी चीज़ का ये ध्यान देना है कि आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, कोई भी फर्टिलाइज़र हुआ, ऑर्गेनिक हुआ या तो केमिकल हुआ, केमिकल तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में आप महीने में एक बार थोड़ी सी वर्मी कॉम्पोस्ट इसकी सॉइल के अंदर डाल सकते हैं, वो इसलिए ताकि सॉइल की अंदर की फर्टिलिटी मेंटेन हो सके, प्लांट की ग्रोथ के लिए नहीं, क्योंकि प्लांट तो अभी ग्रोथ करने वाला नहीं है। आपको बस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, सॉइल के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करना है, तो इसीलिए थोड़ी सी वर्मी कॉम्पोस्ट आप अपनी सॉइल के अंदर डाल दीजिए, बस इतना इनफ होगा। और बस आप थोड़ा टाइम निकाल दीजिए, जनवरी का महीना स्टार्ट होगा तभी आपके ये सारे पौधे फिर से एकदम ब्लूम करना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके सारे लीव्स ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी दौरान अगर आपको लगे कि आपके प्लांट के ऊपर कुछ पेस्ट जैसा लगा है तो बाद में आप उसके ऊपर पेस्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विंटर सीजन ये सारे प्लांट्स इंडिकेट करते हैं, दूसरे बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन मेरे पास जो प्लांट्स हैं वो मैंने आपको दिखाया है कि ये प्लांट्स कुछ विंटर सीजन्स इंडिकेट करते हैं। दूसरे हमारे हाइबिस्कस भी है फ्रेंड्स, हाइबिस्कस के लीव्स भी विंटर सीजन में येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही ठंडियाँ ज़ोरों पर होगी, 15 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर चला जाएगा तब ये जो हमारे हाइबिस्कस है उसके भी लीव्स येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे।
क्योंकि ये हाइबिस्कस भी बहुत ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने तो अभी इसको ओपन टेरेस में रखा है, तो रात के टाइम पे विंटर सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से ठंडी हवाओं के कारण से ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा और इसके लीव्स थोड़े येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। खास करके हमारे इंडियन क्लाइमेट में सिर्फ एक ही महीना बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है और वो है दिसंबर का महीना, यानी कि 15 दिसंबर के बाद, और 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से प्लांट थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं। उसी दौरान प्लांट अपने लीव्स येलो करके गिराना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लांट को मेंटेन रखिए, और जब प्लांट स्ट्रेस में होता है तब हमें उसको ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से हमें उसको मेंटेन करना है। सिर्फ सिंपल पानी दे और महीने में एक बार या तो 20 दिन में एक बार थोड़ी सी वर्मी कॉम्पोस्ट आप सॉइल के अंदर डाल दीजिए। तो ये है कुछ जो प्लांट्स जो इंडिकेट करेंगे कि विंटर सीजन आने वाला है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो फ्रेंड्स, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।